वेलकम टू क्लास सेवन। लास्ट जो क्लास हुआ था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है उसको फिनिश कर लिया था, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का एक्सरसाइज था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हमको इंटीजर्स जो है उनका डिवीजन करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, डिवीजन। इस डिवीजन में आपको नॉर्मल जो डिवीजन जैसे आप करते हैं वैसे ही करना है, बस प्लस माइनस में आपको यही ध्यान रखना है कि अगर जो डिवीजन के लिए टू नंबर्स मिलते हैं, अगर उसमें माइनस का साइन टू जगह पे है, यानी वो दोनों ही नंबर माइनस के हैं, तो उनका जो रिजल्ट है वो माइनस माइनस यानी प्लस होगा, और माइनस अगर एक ही नंबर का है उसमें तो उसका आंसर माइनस में निकलेगा। जैसे हमारा फर्स्ट है, इसमें माइनस का 30 इसको डिवाइड करना है 10 से, तो आपको मालूम है 10 की टेबल में 30 आता है 3 टाइम। लेकिन यहाँ आप अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो डिपेंड करता है कि माइनस के नंबर है कितने। अगर दोनों नंबर माइनस के होते तो आंसर आता है प्लस का, लेकिन यहाँ पर माइनस का नंबर सिर्फ एक ही है यानी आंसर माइनस का आएगा। तो 10 की टेबल में 30 आता है 3 टाइम, लेकिन अपन चिन्ह लगाएंगे माइनस का, यानी आंसर हो जाएगा माइनस का 3। सेकेंड जो है 50 को डिवाइड करना है माइनस 5 से। 5 की टेबल में 50 आता है 10 टाइम, लेकिन जो आंसर 10 आएगा वो 10 आंसर माइनस का होगा, क्योंकि इन दोनों में से सिर्फ एक ही नंबर माइनस का है, यानी इसका आंसर होगा माइनस का 10। श्री कृष्ण। माइनस का 36 डिवाइड हो रहा है माइनस 9 से। यहाँ ये दोनों ही नंबर माइनस के हैं, तो जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो आंसर आता है प्लस का। अब 9 की टेबल में 36, 9 4 जा 36, यानी आंसर आएगा इसका प्लस का 4। बी क्वेश्चन, माइनस का 49 डिवाइड होगा 49 से, तो 49 की टेबल में 49 आएगा 1 टाइम, लेकिन माइनस का चिन्ह यहाँ एक जगह है, तो आंसर होगा माइनस का 1। ई में देखें आप, 13 को डिवाइड करना है ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस 1 से, तो पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर अपन डिवाइड करने का काम करेंगे। तो 13 का तो 13 कॉमन, फिर डिवाइड, माइनस का 2 और प्लस 1, तो माइनस 2 में प्लस 1 ऐड करते हैं, तो माइनस 2 और प्लस 1, माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 माइनस करने पर आएगा 1, और ये 1 होगा माइनस का, क्योंकि ये जो 2 है वो बड़ा नंबर है, माइनस का नंबर है, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। तो 13 को 1 से डिवाइड करना है और वो माइनस 1 है, तो 13 का 13 आएगा, और यहाँ डिवाइड के अंदर दोनों में से एक ही नंबर माइनस का है, इसलिए आंसर जो होगा वो माइनस का रहेगा। एफ जो है 0 को डिवाइड करना है माइनस 12 से, तो आप 0 का तो विशेष ध्यान रखेंगे, 0 को किसी भी नंबर से, 0 के अलावा चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, किसी से भी डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आएगा। और आपको लेसन के स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि 0 का अगर ना प्लस का चिन्ह लगता है ना माइनस का लगता है, क्योंकि 0 एक इंटीजर जरूर है लेकिन ना प्लस का होगा ना माइनस का होगा। तो ये अब तक हो गया। जी जो क्वेश्चन है, माइनस का 31 इसको डिवाइड करना है माइनस 30 प्लस माइनस 1 से, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस का 31 डिवाइड बाय माइनस 30 और माइनस 1, इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये माइनस 31 और इनका टोटल भी निकलेगा माइनस 31। दोनों जगह माइनस का चिन्ह है, जब दोनों जगह माइनस होगा तो आंसर प्लस का आएगा, और 31 की टेबल में 31 वन टाइम, यानी इसका आंसर निकलेगा आपके 1। एच जो क्वेश्चन है, इसमें माइनस का 36 इसको डिवाइड करना है 12 से, माइनस का 36 इसको डिवाइड करना है 12 से, और फिर इसके रिजल्ट को डिवाइड करना है 3 से। तो पहले ब्रैकेट वाला डिवाइड करेंगे, तो दोनों में से एक नंबर माइनस का है, तो आंसर आएगा माइनस का। 12 की टेबल में 36 आता है 3 टाइम, 12 3 जा 36, और ये 3 माइनस का क्यों होगा,
क्योंकि इन दोनों में से ये 36 है जो एक ही नंबर है वो माइनस का है। फिर इस माइनस 3 को डिवाइड करना है बाहर वाले 3 से। 3 की टेबल में 3 आता 1 टाइम, लेकिन ये आंसर जो होगा 1 वो माइनस का 1 होगा, क्योंकि दोनों 3 में से सिर्फ एक ही 3 माइनस का है। अब इसका जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर आई, माइनस का 6 प्लस 5, इसको डिवाइड करना है माइनस 2 प्लस 1 से। तो पहले अपन इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो माइनस का 6 और प्लस 5 इसको डिवाइड करना है माइनस का 2 और प्लस 1 से। तो माइनस के 6 में प्लस 5 करेंगे तो आएगा माइनस का 1, 6 में से 5 माइनस करते हैं 1, लेकिन 6 के आगे माइनस का चिन्ह है इसलिए ये माइनस का 1, इसको डिवाइड करना है। माइनस 2 में प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा माइनस का 1, और 1 को 1 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, दोनों जगह माइनस का चिन्ह है तो आंसर आएगा प्लस का 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड रहेगा अब इसका, इसमें आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। और किसको वेरीफाई करना है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ हमको, ए को डिवाइड करना है बी और सी के टोटल से, और ये आंसर इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, ए डिवाइड बाय बी प्लस ए डिवाइड बाय सी। यानी ये हमको इन्होंने खुद ने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि आप ये वेरीफाई करके बताओ कि ये इस पार्ट के बराबर नहीं आना चाहिए। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यानी ए की जगह पे 12 रखने पर, बी की जगह पे -4 रखने पे और सी की जगह पे 2 रखने पे, आप ये चीज वेरीफाई करें। तो इस ये जो चिन्ह लगा हुआ है नॉट इक्वल का, इसके इधर का जो पार्ट है उस पार्ट को बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और इसके इस तरफ वाले पार्ट को बोला जाता है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले अपन LHS के अंदर जो ये वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रखते हैं। तो LHS के अंदर, LHS में क्या निकालना है अपने को, A डिवाइड बाय B प्लस C का टोटल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A जो है वो हमारा 12 है, तो 12 को डिवाइड करना है B और C के टोटल से। तो B हमारा -4, C हमारा 2। तो -4 और प्लस 2 करेंगे पहले, तो -4 में प्लस 2 करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 2। अब इस 12 को -2 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा माइनस का 6, क्योंकि 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम, तो आंसर आया -6। अब इसका हम जो राइट हैंड साइड जो है, ये हमारा आंसर है LHS का। अब अपन RHS जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। RHS में लिखा हुआ है A को डिवाइड करना है B से, फिर उसको में टोटल करना है A डिवाइड बाय C। A का मतलब 12 को डिवाइड करना है -4 से, फिर प्लस 12 को डिवाइड करना है 2 से। 4 की टेबल में 12 आता 3 टाइम, लेकिन ये माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि दोनों में से एक नंबर माइनस का है। प्लस 12 जो है वो 2 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 6। तो माइनस का 3 और प्लस का 6, आंसर निकलेगा प्लस का 3। तो RHS का आंसर निकल के आया प्लस 3 और LHS का आया -6। सो LHS इक्वल नहीं है RHS के। सो अपन कह सकते हैं कि A डिवाइड बाय B प्लस C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइड बाय B प्लस A डिवाइड बाय C, हेंस प्रूफ। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको ऐसे लिख करके सॉल्व करना है। तो इसका एक क्वेश्चन जो है वो मैंने करवा दिया। अब इसका जो सेकंड है B, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, जिसमें A की जगह पे आपको रखना है -10, B की जगह रखना है आपको 1 और C की जगह रखना है 1।
इस क्वेश्चन को आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने डिवाइड किए थे, और क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमको ये वेरीफाई करना था। तो ये दोनों हमने कर लिया। अब इसका जो बाकी का जो है एक्सरसाइज का, वो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।